मेरे लिए हैशटैग फेस एनीथिंग का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि पूरी दुनिया आप पे जितना प्रेशर डाल सकती है वो डालेगी, जितना आपको कह सकती है कि आप गलत हो वो कहेगी. वो कहते हैं ना, बहुत पुरानी बात है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो लोग आपसे बहुत सारी बातें कहेंगे टू लाइक स्टॉप योर ग्रोथ और टू प्रूव यू अदरवाइज या टू मेक यू फील दैट यू आर नॉट गुड इनफ. मगर जब आप उस फियर को, जब आप उस मौके को बिल्कुल आँख में, यू स्टेयर इन टू दैट मोमेंट एंड से आई एम बेटर देन ऑल ऑफ दिस एंड आई कैन फाइट एंड फेस एनीथिंग, देन यू ब्रेक आउट ऑफ दैट, यू नो, आउट ऑफ दैट शील्ड एंड देन यू बिकम अ होल न्यू पर्सन. आई मीन, it's metamorphosis. It's compared to what a butterfly becomes when it tears out of that cocoon. It's not easy. बिल्कुल आसान नहीं होता है, बहुत तकलीफ होती है, मगर अगर आप उस एक सेकेंड ऑफ तकलीफ को क्रॉस कर जाते हो देन यू बिकम मसाबा. अब मैं क्या बोलूँ, खत्म हो गया सर. आई थिंक मेरे हिसाब से जो ये ओले का कैंपेन है इस ज़माने में बहुत ही एप्ट है, क्योंकि आई थिंक हम इतनी आवाज़ होती रहती है रोज़, यू नो, विद व्हाट पीपल से एंड इतना सारा क्रिटिसिज्म, इतनी सारी नेगेटिव बातें होती रहती हैं एंड उस नॉइज़ को ड्राउन आउट करना बहुत बहुत मुश्किल होता है मेरे हिसाब से, वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन. एंड यू नो, यू कांट जनरलाइज. एंड आई थिंक कि जो ओले ने इस बार किया है ये फेस एनीथिंग, इसका मतलब ये है जो कुबरा ने कहा कि नो मैटर वॉट लाइफ थ्रोज एट यू, जो भी आपके सामने मुश्किल खड़ी हो जाती है या मुश्किल ना भी हो, आपके खुद के बहुत सारी मुश्किलें अंदर से बचपन से आपके साथ यू नो रहती हैं, तो उन सबको ओवरकम करने की ही बात है. एंड आई थिंक वो एक मिनट की बात होती है जो अगर आप उसको ओवरकम कर लो तो हर मुश्किल आसान लग जाती है. और आप फिर जब उस मोमेंट को पीछे देखते हैं मुड़ के तो आपको लगता है कि इतना आसान था. इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात थी. वो मेरे साथ हुआ था. Like I've been bullied for my name. I've been called Kubra my entire life. But I was called a snake, Masaba the snake. So I'm the same. Yeah. See? And you won't believe it. मैं हमेशा घर जाती थी, रोती थी और कहती थी कि प्लीज मेरा नाम बदल दो. Please change my name. I don't like this name. और आज I feel proud of my name. I feel so comfortable with my identity. क्योंकि आपकी individual identity हो जाती है. आई थिंक औरतों को लेके ज़्यादातर उनकी जो insecurities हैं अपने physical appearance से आती हैं. Yes. और आई थिंक यही बात है face anything की, कि आपको आपके weight के ऊपर बोला जाता है, आपके skin color के ऊपर बोला जाता है, आपके बालों के बारे में बोला जाता है, आप अगर बहुत ज़्यादा पतले हो गए तो भी आपको shame किया जाता है. तो it is true. कुछ नहीं कर सकते. But I think the idea is कि आपको आप अपने अंदर जो एक रिजिलियंस है वो बना के रखनी पड़नी होती है एंड देन आई थिंक एवरीथिंग इज ओके. बिल्कुल नहीं. आई एम जस्ट गोना से नो बिकॉज मसाबा सेड दिस कि जो फिजिकल बैरियर्स हैं, जो ये कंसेप्शंस हैं या क्रिटिसिजम्स हैं, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ जेंडर एंड नॉट नेसेसरली द फीमेल जेंडर. इट्स नॉट लाइक बॉयज़ आर नॉट बुलीड. इट डजेंट मीन दैट बॉयज़ आर नॉट हर्ट. इट डजेंट मीन दैट देर इज नो स्टेट ऑफ, यू नो, मेंटल इनसिक्योरिटी फॉर वन जेंडर ओवर द अदर. ऐसा बिल्कुल नहीं है. एंड एज द जेनरेशन ऑफ टुडे, क्या हम वो कर सकते हैं कि वो जो गैप है हम इक्वली ब्रिज कर सकते हैं, सो दैट देर इज इक्वालिटी फॉर द बॉय एंड द गर्ल. कैन वी डू दैट? जो पास्ट में हुआ वो हुआ, ठीक है. आई वॉजंट रेज्ड लाइक दैट. आज भी मेरे लिए मेरे भाई को वही मिलता है जो मुझे मिलता है, उसे भी वही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो मुझे मिलती हैं. बट दैट्स द वे आई वॉज रेज्ड. टच वुड, वेरी लकी. मगर
today, agar main aisa hote hue dekh sakti hu, can I bring it up so that it doesn't happen in the future? Can I raise my children to be equal? Can I bring about that change that I want to see? Yes, I can. Yeah. So on this International Women's Day, I think it's for every mother, every woman, every man to take a pledge to say we are equal. And it goes beyond gender. And I think ye baat bahut zaruri hai ki jo jab hum itne dur aa gaye hain, correct, itne mein bhi bahut time laga, kafi saal lage logon ka mindset badalne mein aur women's empowerment mein. लेकिन मेरे हिसाब से फेमिनिज्म वो है जो आप आदमी को नीचा ना दिखाएं, आप बस इक्वल्स हैं और आपको इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए हर एक स्फीयर में. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट शेम मेन इन ऑर्डर टू मेक वुमेन लुक गुड. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट बिकॉज आई थिंक इट्स बिकम लाइक दैट. इट्स द सेम विद यू नो अ फेयर गर्ल और अ डार्क गर्ल और अ बिग गर्ल और अ स्मॉल गर्ल. हर बात में एक को नीचा दिखाया जाता है, दूसरे को ऊपर. हम सब साथ में ग्रो कर सकते हैं यार, देयर इज इनफ स्पेस. बट आई थिंक इट विल टेक टाइम. या टेक टाइम, बट हु इज इन अ हरी? या आई एम नॉट. या लेट्स जस्ट ग्रो टुगेदर, एंजॉय द चेंज. वो चेंज डिफिकल्ट है मगर लेट्स एंजॉय इट. या इट्स ऑल वी आर सेइंग. ओके, आप दोनों से जानना चाहेंगे, आप दोनों ने यहां पे अपने कनेक्टिव और आपने बियर्डो को कट किया है, तो मैं नहीं लिया, नहीं जोकिंग, नो रिस्पोंड होगा. सो जब मैं बहुत छोटी थी तो बिकॉज आई वाज नॉट कन्वेंशनली कंसिडर्ड गुड लुकिंग एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट आई हैव जस्ट मेड अप, इट्स द रियलिटी ऑफ गोइंग टू अ स्कूल वेयर यू नो देयर वर अ सर्टेन काइंड गर्ल्स लुक्ड अ सर्टेन वे, देयर हेयर वाज अ सर्टेन वे, देयर बॉडी टाइप्स वर अ सर्टेन वे. मैं बहुत ही एथलेटिक थी, मैं टेनिस खेलती थी और मैं सारा दिन धूप में यू नो लाइक अ बॉय रोलिंग अराउंड. सो आई जस्ट फील लाइक जो लड़के थे दे यूज टू कॉल मी अ मैन, लाइक यू नो दे यूज टू से टॉम बॉय. या बट आई वाज नॉट इवन अ टॉम बॉय, वाज अ मैन. मियर मैन, नाइस. सो यू नो बिकॉज आई वाज ब्रॉड शोल्डर्ड एंड दिस एंड दैट, सो आई वाज नॉट कंसिडर्ड अट्रैक्टिव. सो आई वाज कंसिडर्ड अनअट्रैक्टिव बट हॉट, यू नो. तो वो हॉट तो अब हुआ है, तो तब तक तो मैं अनअट्रैक्टिव ही थी. तो मैंने अभी स्ट्राइक कर दिया, नीचे हॉट लग दूंगी. बट आई जस्ट थिंक जो बचपन से आपको और लोगों को ऐसा लगता है कि जो आपके साथ स्कूल में हुआ, बचपन में हुआ, वो आप भूल जाते हैं, आप नहीं भूलते. वो आपके साथ काफ़ी साल आपके साथ ट्रैवल करता है आपके माइंड में, लेकिन आप इन सब चीज़ों को कितनी देर अपने दिमाग में रख सकते हैं. तो आई जस्ट डिसाइडेड टुडे दैट आई वॉन्ट टू स्ट्राइक इट आउट ऑफ माई माइंड एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डन. आई मीन फॉर मी इट्स ऑलवेज बीन लाइक अरे यार इसको तो कोई सोच ही नहीं है यार, किसी से भी घुल मिल जाती है, कहीं भी चली जाती है, बाइक पे बैठ जाती है, शी डज व्हाटएवर शी वांट्स टू. वेरी सिमिलर यू नो बिकॉज आई वाज वेरी एथलेटिक, नॉट लेडी लाइक. या शी इज नॉट लेडी लाइक, हंस के किसी से भी बात कर देती है. शी वॉक्स इन टू अ रूम एंड शी सेज हाई टू ऑल पीपल इन द रूम. शी इज नॉट अगर कोई लड़का फॉर एग्जाम्पल ये सब नहीं करता, बाहर नहीं खेलता, सारा दिन मतलब किसी बुक में लगा रही, देन ही इज अ नर्ड एंड ही इज सो वियर्ड. या ही इज सच अ गीक. और इफ उसको लड़कियां नहीं पसंद, उसको डेटिंग डेट नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जो आर यू अ सिसी, व्हाई व्हाई यू आर नॉट एनीथिंग, यू आर हु यू आर ग्रोइंग टू बी. इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. आई यूज्ड टू कॉल अ लॉट ऑफ बॉयज वियर्ड इन स्कूल बिकॉज़ आई वाज लाइक दे आर सो weird, like you know. And today also, like you know, if you meet men who are not you know like forthcoming or who aren't you know outspoken, chupcha baithe rehte hain, to aap bolte thoda weird hai. It takes you a second to say that. Magar agar ladki utna hi bole to oh, magar wo ladki weird hai to I mean what is the point? Can we not just be who we are? Yeah, this is who I am. Sorry, too late to change. Okay, also guys, last ऐसा अचीव किया है
hi. I don't think that moment exists. Thank you, that ma'am. Moment. Oh, wow. I was waiting for this answer. Coming and going and coming and going. Har har baar jab aap kuch naya karte hain, kuch naya na bhi kare, if you're going about life regularly, I think you just have to keep fighting that moment. Because when you have a child, and then when you have, you know, you have another child, and then you become a grandmother, there will be so many moments, and har ek ka phase, har ek ki journey bahut alag hoti hai. Or har ek journey pe you meet different obstacles which you have to keep fighting. I think it's an everyday battle. Or roz subah utke aapko ek decision banana hai. This is what I will allow to affect me. This is what does not affect me. Yeah. And I'm ready for the next day. Yeah. So I think it's only about prioritizing the choices you make. You will only be as affected as you allow something to affect you. You know. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रोज़ घंटे वो क्या कहते हैं एवरी आवरली बेसिस देर वुड बी समथिंग बिकॉज योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली फंक्शनिंग राइट तो यू ओनली फीडिंग योर सेल्फ यू नो थॉट्स गुड बैड बट द अवेयरनेस टू नो दैट दिस इज अफेक्टिंग मी एडवर्सली या ये नेगेटिव है उस की जो डिफ्रेंसिएशन है वो आप पे निर्भर है सो हाउ स्ट्रॉन्ग कैन यू बी मेंटली सो दैट यू कैन गो आउट देयर एंड फेस एनीथिंग बिकॉज दिस एनीथिंग विल हैपन ऑल द टाइम एवरी टाइम कैन यू फेस इट कैन यू बी मेंटली दैट स्ट्रॉन्ग कैन यू बी दैट रेजिलिएंट कैन यू बी दैट कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन इज द क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ ओके So I'm really excited because last year was like this year ke people were like, oh, Kubra, Sait is an actor. So very grateful for last year. But this year I'm working with Alankrita Shavastava. I have a fabulous show for, again, Balaji called Verdict. Then a show for Woot and a show for Tripling. Too. So I have a cameo and I'm damn excited. It's really cool stuff. No, I'm dead, no. Wow. No, aap dekhi. OTT platform, aapko subscription. Okay, lastly, Women's Day for Women's ke liye koi message. I love it. Women's Day ke liye message. It is the 8th of March. It's celebrated as International Women's Day. But it is not just that one day when you need to feel the best of yourself or celebrate your sexuality or your gender or who you are as an individual. Take this day to celebrate every day for the rest of the year and for as long as you are alive. Happy Women's Day. She's always saying what I have to say. Happy Women's Day. I just want to say that today is a great day to make a new start. Even though you can make a start any day, but today is a great day if you need a date attached to it. So make a new start, change how you think, change how your friends and family, loved ones, everyone who you can make a little bit of difference with think, and empower yourself, empower them, empower everyone around you, and live a life that you're proud of and that you're happy with. Happy Women's Day. Thank you so much. Thank you. Thank you. Can we clap for y'all? Good job, guys.